बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। वाह। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। क्या शख्सियत। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। तो मैंने स्कॉलरशिप के अलावा उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए किसी भी किस्म की स्पर्धा परीक्षा नहीं होती थी। तो जब मेरे पास पांचवी जमात का क्लास आया तो स्कॉलरशिप में बिठाने के अलावा मैंने ये सोचा कि ये हमारे बच्चों को स्पर्धा में किस तरह से ये आगे जा सके। तो 2022 में नवोदय विद्यालय जो मराठी मीडियम में है लेकिन पेपर उर्दू में आता है, तो मैंने उस साल अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय के एग्जाम में बिठाई और जो सिलेबस था पूरा मराठी में था और मराठी में ट्रांसलेट करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई और उस वक्त मुझे कामयाबी मिली। और कामयाबी मिलने पर मैंने ये सोचा कि अगर हमारे मराठी मीडियम के बच्चे नवोदय उर्दू मीडियम के बच्चे नवोदय विद्यालय में जा सकते तो क्यों ना मेरे शोहर जो सैयद इमाम सर है उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि तू सिर्फ अपने स्कूल के लिए ये काम कर रही है, क्यों ना तू महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए काम कर। तो मैंने 2022 में पूरा सिलेबस मराठी मीडियम का उर्दू मीडियम में गाइड तैयार की और गाइड तैयार करने के बाद माशाल्लाह पूरे महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के स्कूलों में वो गाइड पहुंची और इस साल जो अहमदनगर जिले है नवोदय विद्यालय उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कंपलसरी की है 100% अहमदनगर जिले में स्कॉलरशिप के साथ साथ पांचवी जमात में तमाम बच्चे नवोदय विद्यालय में हिस्सा ले। और प्लस पॉइंट ये था कि हमको उर्दू मीडियम का पेपर आता है तो इसलिए मेरी किताब जो है तो अहमदनगर के ये पूरे महाराष्ट्र के पूरे जिलों में पहुंची। और इस साल फिर मुझे असातिज़ा से ये प्रोत्साहन मिला कि तुम अभी पेपर का तरीका नहीं मालूम हमारे असातिज़ा को नवोदय विद्यालय का पेपर किस तरीके से आता है। तो 2013 से 2023 तक के ये पूरे जीएनवी समिति बोर्ड के मैंने पेपर ऑनलाइन निकाल कर उसका कुछ पेपर मेरे पास थे, बाकी मराठी मीडियम के बोर्ड के पेपर मैंने निकाल कर उसका उर्दू में ट्रांसलेट करके और पूरे के पूरे पेपर सॉल्व किए हुए। तकरीबन एक साल का अरसा इसके लिए लगा और ये काम मैंने पूरा करने के बाद कामिल भाई आदिल पब्लिकेशन इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी ये किताब छापकर पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाऊंगा ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इस स्पर्धा परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो सके। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है तो जमात पंजुम के बच्चे जो स्कॉलरशिप के अलावा ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में भी उनको बिठाए, गाइड भी उपलब्ध है और तकरीबन
11 साल के पेपर इसके अंदर है, हल शुदा है। तो उर्दू मीडियम के आसातिज़ा से दिली इल्तिमास करती हूँ कि अपने बच्चों को इस स्पर्धा परीक्षा में बिठाए और इस किताब से अपने बच्चों की और अपने कौम मिल्लत की, जिस तरीके से सर ने बताया कि हमारे नस्लों को हमें तैयार करना है। तो अब जो मराठी मीडियम के बच्चे पहली से मंथन है, प्रज्ञा शोध है, उसमें वो बैठते हैं, लेकिन हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों को ये नहीं है। लेकिन अहमदनगर जिले में इस साल तीसरी, चौथी, छठी और सातवीं तमाम बच्चों के लिए सराव चाशनी तैयार की है और वो भी मराठी मीडियम में। इस साल हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे भी तीसरी से ही स्कॉलरशिप की तैयारी में लगे, तो वो काम भी अहमदनगर जिले की तरफ से चालू है। तो मेरी ऐसी दिली इल्तिमास है कि पूरे महाराष्ट्र के बच्चे इससे अफादियत हासिल करें। बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफादे आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकापती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।